हेलो दोस्तों, मैं पाटीदार यूट्यूब चैनल से गणेश पाटीदार। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि अपना जो Q3 मॉडल ORG का जो आता है, रुनजुन के नाम से भी जाना जाता है, इसका आपको मैनुअल बैकवॉश कैसे करना है। सपोज आपको मैनुअल करना हो, कस्टमर को मैनुअल बताना हो, तो उस तरीके से आपको बताना है। सर, अप और डाउन वाली जो बटन है, ये इसका लॉक ओपन करने के लिए रहती है। आप इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करके रखेंगे, लॉक ओपन हो गया। अब कस्टमर को कुछ नहीं करना है, किसी भी सेटिंग पे अदरवाइज नहीं डालना है, सिर्फ आपको मैनुअल बैकवॉश करना है। तो कुछ बस ये जो बटन है मेन्यू रिटर्न, इसको आप प्रेस करेंगे, आवाज़ आएगी। ये ऑटोमेटिकली पूरा प्रोसेस करेगा। पूरा प्रोसेस करने के लिए इससे मैंने 8 मिनट का टाइमिंग डाल रखा है, इसका बैकवॉश का 8 मिनट वो लेगा। सेकंड, आपको अगर बैकवॉश नहीं करना है तो बैकवॉश माने अभी आपका हुआ है, आपने कर दिया है, या सपोज आपको यहाँ से वापस इसको कंटिन्यू करके आगे ले जाना, सिर्फ सेक्शन नंबर सेक्शन को, फिर आपको इसी को 5 सेकंड फिर आप दबाएंगे तो फिर ये थर्ड सिस्टम हो जाए, जहाँ नमक को खींचने का काम करता है। इसको आप हर 10 सेकंड में अगर दबाएंगे तो धीरे धीरे करके वापस ये बैकवॉश पर चला जाता है, नॉर्मल मोड पर चला जाता है। जैसे अभी जो चल रहा है, अब मैंने किया है, अभी आएगा ब्रेन रिफिल, ब्रेन स्लो रिंस पर। स्लो रिंस करते टाइम 35 मिनट तक पूरा नमक खींचने का प्रोसेस जो है ये करेगा। अब मेरे को नमक खिंचवाना भी नहीं करना, सिर्फ मेरे को फास्ट रिंस करना है या फिर मेरे को ब्रेन रिफिल करना है। जैसे स्टोरेशन कर रहे हैं, स्टोरेशन के टाइम पर उसे ब्रेन रिफिल करना, फिर आप इसको फिर से आप एक बार दबाएंगे तो फिर जाके ना आगे वाले मोड पर चले जाएगा। ये अब ये फास्ट रिंस पर चल रहा है। जैसे जैसे इसको अपन आगे आगे बढ़ाते जाते हैं, उसी प्रकार से बढ़ता जाता है। अब ये यहाँ मेरे को फास्ट रिंस नहीं करना, मेरे को सिर्फ ब्रेन रिफिल, जो नमक में मैंने डाला है उसमें पानी डालने के लिए मेरे को इसी से प्रोसेस करना है। मेरे को देखना है कि कितने देर में कितना पानी भर रहा है, नहीं भर रहा है, और इतना प्रोसेस नहीं करना, टाइम नहीं है, उसके चलते अपन डायरेक्ट इसी को सीधे ब्रेन रिफिल पर ले जा सकते हैं। ये यहाँ ब्रेन रिफिल पर जा रहा है। ब्रेन रिफिल पर जाने के लिए 5 सेकंड का समय लेता है। जैसे अभी ब्रेन रिफिल पर चला गया, अब यहाँ 10 मिनट तक आपका पानी जो है ये भरेगा टैंक में, जो अपना नमक का रहता है। नमक का आप टैंक भरने में 10 मिनट भर रहा है, 8 मिनट में भर रहा है, थोड़ा सा आपको ये काउंटिंग करना पड़ेगा। सपोज मान लो आप 10 मिनट मैंने डाल दिया है, ये अंदाजन हम डालते हैं 10 मिनट में, किसी के यहाँ प्रेशर कम या ज़्यादा रहता है उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। 10 मिनट में पानी कितना निकालता है, 10 मिनट में अगर अपना टैंक आधा भर गया है तो अपना सफिशेंट है 10 मिनट, ठीक है। ये पता लगाएगा अपना 5 मिनट में भर गया, तो आप इसको सेटिंग चेंज करके 5 मिनट पर डाल सकते हैं। ऐसा अपन इसको सेटिंग मैनेज कर सकते हैं। इस यहाँ तक प्रोसेस पे जाने के लिए, अपने को पूरा प्रोसेस नहीं करने के लिए सीधा आप डायरेक्ट जा सकते हैं। फिर अपना जैसे भर गया है, आपको पता लगा कि 7 मिनट भरा, अपना 7 मिनट करके ना उसको छोड़ सकते हैं। फिर अपने वापस इसको दबाएंगे, यहाँ से आगे बढ़ जाएगा और ये नॉर्मल पोजिशन पर आ गया। यहाँ आपको 8000 लीटर के बाद ही रिचार्ज देगा, जैसे 8000, 10000, सब 6000 जो आपने डालते हैं उसी के अकॉर्डिंग चला। बाकी इसमें सेटिंग चेंजेस करने की जरूरत, सेटिंग मैंने आपको दिखा रखी है, सेटिंग किस तरीके से की जाएगी सारा प्रोसेस। और कुछ भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 7389745632। गणेश पाटीदार, थैंक यू।